हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेखा नीटिंग। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, जेंट्स स्वेटर का ये पैटर्न है, स्पेशल जेंट्स स्वेटर के लिए बना है ये। प्लोअर में, जेंट्स प्लोअर में और जेंट्स हाफ स्वेटर में आप बना सकते हैं इसको। वैसे तो आपकी मर्जी है, किसी में भी बनाइए, लेकिन जेंट्स स्वेटर में ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो हमारा पैटर्न है दोस्तों, ये 12 फंदों पर डला है और 16 सिलाई में ये कम्प्लीट होता है। 16 रोज का ये पैटर्न है और 12 स्टिचेस पे ये डलता है। ये देखिएगा, 4 फंदे ये हैं, 8 ये, 4 ये, 8 ये, तो 4 और 8 12, फिर 4 और 8 12, तो 12 का मल्टीपल इसमें चलता है। और लास्ट पे फिर हमें इसमें 4 फंदे ये रखने हैं, तो 4 फंदे ऐड करने हैं 12 के मल्टीपल में। तो इसमें आपको फंदे लेने हैं 12 के मल्टीपल में, 4 फंदे ऐड करने हैं, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बनाकर देखते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 28 फंदे लिए हैं 12 के मल्टीपल में, 24 और 4 फंदे उसमें और मैंने ऐड किए, तो ये 28 है। और ये वाले जो फंदे हैं, ये हैं हमारे 40, क्योंकि मैंने इसमें 3 बनाए हैं ये डिजाइन, और इसमें मैं 2 बनाऊंगी। तो देखिएगा, यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सलाई यहीं से बुनेंगे हम इसकी। आप अपनी पसंद का बॉर्डर इसमें बना लीजिएगा। पहले हमें क्या करने हैं, 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। दो, तीन और ये 4। धागा पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर धागा पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। लास्ट में फिर हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं। हमारे पास लास्ट में 4 उल्टे फंदे जरूर होने चाहिए, तो ये हमें 12 के मल्टीपल में 4 फंदे ऐड जरूर करने हैं। जब भी आप इस पैटर्न को डालें तो ये ध्यान रखना। ये देखिएगा, 4 फंदे हमारे ये उल्टे हुए लास्ट में। ये हमारी फर्स्ट सिलाई थी। सेकेंड सिलाई में सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जो हमने उधर से उल्टे बुने, 4 फंदे इधर सीधे आएंगे, और जो हमने उधर से 8 फंदे सीधे बुने वो इधर उल्टे आएंगे। ऐसे ही सेकंड सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। ये मैं कर देती हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम 2 सिलाई बना चुके हैं, एक सीधी साइड से, एक उल्टी साइड से। अब मुझे ये तीसरी सिलाई बुननी है सीधी साइड से। अब हमें ये पैटर्न आगे बढ़ाना है। ये फंदा हम, फर्स्ट फंदा स्टिच है, इसको हम उतारेंगे। है तो ये इसमें ही 4 फंदों में, पर हम फर्स्ट फंदा नहीं बुनते हैं, इसको हमने उतारा। अब ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। 2 फंदे सीधे बुने, इन 4 में से ये एक फंदा हमें इधर लेके जाना है ऐसे। पहले हम ये फंदा बुनेंगे इसके ऊपर से। आप उतार कर भी पलट सकते हैं इन फंदों को, ट्विस्ट कर सकते हैं। और ये फंदा इसके बाद, ये अंदर चला गया और ये इधर आ गया। अब 6 फंदे 8 फंदों में से हम सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर उधर से एक फंदा ले, ये 4 फंदे हैं हमारे ये बीच के, फिर उनमें से एक फंदा हमारा इधर आएगा पीछे से ऐसे। ये ऐसे आएगा पीछे से, ये हमने पीछे से लिया और फिर हम इसको बुनेंगे। मैं आपको बता रही हूं, जब हमें ये फंदे ट्विस्ट करने हैं, आप उतार कर भी इनको पलट सकते हैं। फिर ये, अब हमें ये सीधे ही बुनने हैं। जब हम ये फंदे ट्विस्ट करते हैं तो हम इनको सीधा बुनते हैं। ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे 4 फंदों में से। ये देखिएगा,
फिर ये फंदा इधर जाएगा, यही होगा इसमें तीसरी सिलाई में दोस्तों, यही रिपीट होगा। ये हमने ट्विस्ट कर लिए, फिर छह फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पांच छह, फिर उधर से एक फंदा इधर लाएंगे पीछे से ऐसे, और फिर ये बुनेंगे, ये देखिएगा, फिर ये लास्ट के फंदे सीधे बुनेंगे, ये हमने सीधे बुने। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, ये हमारी तीसरी सिलाई है, इसमें धागा उधर ही रहा, ये पूरी सिलाई सीधी आई है, फंदे ट्विस्ट किए हमने पर सीधे बुने हैं सारे, तो हमारी चौथी सिलाई पूरी उल्टी आएगी, ये पूरी सिलाई उल्टी आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो मैंने उल्टी साइड से बना दी है, पूरी उल्टी आई है। फिर हम फिफ्थ रो बना रहे हैं सीधी साइड से, अब फिर हमें ये फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन, ये चार हुए, एक ये चार और एक फंदा, ये देखिएगा मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये फंदे हमने उल्टे बुने, ये दो फंदे हमने ट्विस्ट किए थे, एक इसमें से आठ फंदों में से था और एक इस इधर से गया था, अब ये दोनों फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, इन चार फंदों में मिला लेने हैं। तो पहले हमारे कितने थे, चार, अब हमारे पांच हो गए, और बीच वाले जो हमारे छह फंदे हमने सीधे बुने थे वो सीधे आएंगे, बीच के छह फंदे, दो तीन चार पांच और ये छह। फिर देखिएगा दोस्तों, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमने ट्विस्ट किए थे, ये दोनों आएंगे उल्टे, एक दो, और ये बीच के दो फंदे उल्टे, चार हो गए, इधर से दो फंदे ट्विस्ट किए थे, ये दोनों उल्टे आएंगे, तो ये हमारे बीच में उल्टे हो गए छह फंदे, और छह फंदे सीधे, आठ फंदों में से एक एक फंदा उधर चला गया तो छह रह गए। ये दो फंदे हमने ट्विस्ट किए थे, ये छठा फंदा है, ये दो फंदे ट्विस्ट किए थे, इनको हम उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये लास्ट के तीनों फंदे उल्टे, ये देखिएगा, ये हमारी फिफ्थ रो। सिक्स्थ रो हमें सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनना है, जो फंदे उधर से उल्टे बुने वो इधर सीधे, जो उधर से सीधे बुने वो इधर उल्टे। शुरू में पांच फंदे सीधे, उधर से ये उल्टे बुने हमने, और इस वाली सिलाई में छह फंदे उल्टे, छह फंदे सीधे, ये सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा मैं बना रही हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, बुनाई चमकने लगी है। सेवंथ रो बना रहे हैं अब हम, ये फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, फर्स्ट वाला धागा पीछे करेंगे, अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। हम सीधी साइड से एक बार इनको सीधा बुनते हैं, एक बार पूरी सिलाई ये सीधी आती है, ट्विस्ट होते हैं फंदे, और जिस सिलाई में फंदे ट्विस्ट नहीं होते उसमें ये उल्टे आते हैं। एक फंदा इसका छोड़ देते हैं हम उल्टी उल्टे फंदों में से, और वो फंदा इधर चला जाता है ट्विस्ट होकर ऐसे। ये देखिएगा, अब हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन और ये चार, अब उधर से हम पीछे से एक फंदा इधर लेके आएंगे, ये हमने पीछे से बुना, अब ये वाला बुन लेंगे, ये दो फंदे ट्विस्ट हो गए देखिएगा, फिर हमें दो ये चार फंदे बीच वाले सीधे बुनने हैं, एक दो तीन और ये चार, ये एक फंदा बचा उल्टे में से, ये इधर जाएगा ट्विस्ट होकर, आप इनको उतार कर भी पलट सकते हैं, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, उधर से फिर एक फंदा इधर आएगा,
एक बार हम सीधी साइड में ट्विस्ट करते हैं फंदे और एक बार हम सिंपल बुनते हैं। फिर लास्ट के बचे हुए फंदे ये सीधे बुनेंगे। ये हमने सीधे बनाए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हुई। एट्थ रो हम उधर से पूरी उल्टी बनाएंगे। जब हम उधर से फंदे ट्विस्ट करते हैं तो सीधी सिलाई बुनी जाती है और फिर उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी आती है। ये आप ध्यान रखना, जब हम उल्टी साइड से बुनते हैं एक बार पूरी सिलाई उल्टी आती है, एक बार सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, एट्थ रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हमें नाइन्थ रो बनानी है। इधर से ये फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो। तीन, चार, ये चार फंदे हमारे उल्टे आए और दो फंदे ये जो ट्विस्ट किए थे ये भी उल्टे ही आएंगे। जब हम ट्विस्ट करते हैं दो फंदे तो अगली बार वो उल्टे बुने जाते हैं, धागा पीछे करेंगे। हमारे बीच में ये चार फंदे थे सीधे, अब इनको हम चार फंदों को ही सीधे बुनेंगे। तीन और ये चार, फिर धागा आगे करेंगे। ये जो हमने दो फंदे ट्विस्ट किए थे ये दोनों उल्टे बुनेंगे और छह फंदे हमारे ये हैं बीच में, नहीं चार फंदे ये हैं बीच में, दो तीन चार। फिर ये दो फंदे जो ट्विस्ट किए थे इनको भी उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारे आठ फंदे हो गए जो हमने उल्टे बुने हैं। ये देखिएगा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। फिर हम धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे। तीन और ये चार, धागा आगे करेंगे, ये सारे फंदे उल्टे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। उल्टी साइड से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अब ये वाले फंदे बीच में चार हैं और सीधे वाले फंदे आठ हैं। और फर्स्ट में उधर से देख लीजिए, उधर से हमारे कितने फंदे हैं, ये एक दो तीन चार पांच छह, ये छह फंदे हैं। ये सीधे बुनने हैं, फिर चार फंदे उल्टे, फिर आठ फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे, फिर ये छह फंदे सीधे। तो ये मैं बना देती हूँ। टेंथ रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इलेवेंथ रो पे हैं। ये देखिएगा चमक रहा है। ये इस बार हमें फंदे ट्विस्ट करने हैं, तो जब हम ट्विस्ट करते हैं तो ये उल्टे वाले फंदे हमारे सीधे बुने जाते हैं। ये ध्यान करना दोस्तों इस बात को। दो तीन चार पांच, छह फंदों में से हमने पांच फंदे बुने और एक फंदा हमें उधर लेके जाना है। ट्विस्ट होगा एक फंदा, ये दो फंदे ट्विस्ट होते हैं ऐसे। अब हमारे बीच में ये दो फंदे रहेंगे, एक और ये दो। फिर उधर से फंदा पीछे से लेके आना है ऐसे, और ये वाला हमें बाद में बनाना है। ये देखिएगा, फिर हमें बीच वाले फंदे सीधे बुनने हैं। आठ थे ये, बीच में छह फंदे सीधे बुन रहे हैं हम। एक फंदा इधर से लगा, एक फंदा उधर जाएगा। ये फंदा इधर आएगा ऐसे। फिर दो फंदे सीधे, फिर उधर से पीछे से ये फंदा पहले बुना जाएगा और ये वाला फंदा बाद में। ये देखिएगा, लास्ट के फंदे सब सीधे। इलेवेंथ रो थी ये हमारी। ट्वेल्थ रो उधर से पूरी उल्टी आएगी। जब हम ये फंदे ट्विस्ट करते हैं तो पूरी सिलाई सीधी होती है और फिर उधर से ये पूरी सिलाई उल्टी आती है। ये मैं बना देती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 12 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, चार सिलाई बाकी हैं। अब हम 13वीं सिलाई इधर से बुनेंगे, 13th रो। ये देखिएगा, अब ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पिछली सिलाई में हमने ये ट्विस्ट किए थे तो पूरी सिलाई सीधी आई थी। ये देखिएगा,
अब हमारे ये दो ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, ये भी हमें उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे करेंगे, ये हमारे देखिए कितने फंदे हुए, चार फंदों में से कितने बड़े, एक दो तीन, अब ये सात फंदे हो गए। दो फंदे सीधे, धागा आगे, ये ट्विस्ट किए हुए दो फंदे, ये ट्विस्ट किए हुए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, नहीं उल्टे बुनेंगे। और बीच के फंदे, छह फंदे थे बीच के, ये हम सीधे उल्टे बुनेंगे। तो अब हमारे पास ये उल्टे फंदे 10 हो गए, ये हमने उल्टे फंदे 10 बुने। मैं आपको दिखाती हूँ, एक दो तीन चार पाँच, ये 10 हो गए। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, लास्ट के फंदे सब उल्टे बुनेंगे। 13th रो है ये हमारी। फोर्टीन्थ रो उधर से ऐसे आएगी, मैं आपको बताती हूँ। ये हमने दो फंदे सीधे बुन रखे हैं और 10 फंदे उल्टे हैं, तो ये 10 फंदे उधर से सीधे आएंगे, दो फंदे उल्टे आएंगे, और ये इधर 7 फंदे उल्टे हैं तो ये उधर से सीधे आएंगे। तो इसी हिसाब से आप ये 14th रो आप बना सकते हैं, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, क्योंकि ये लॉन्ग है तो मैं उल्टी सिलाई बना नहीं रही हूँ, आपको समझा दिया है मैंने। इस तरह से आप बना सकते हैं, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। 14 सिलाई हमारी हो चुकी है दोस्तों, 15वीं सिलाई हम बना रहे हैं। 15th रो सीधी साइड से और पैटर्न की सीधी साइड से लास्ट रो है ये। 16 रो उधर से आएगी, तो देखिएगा इस बार हमारे फंदे ट्विस्ट होंगे, तो ट्विस्ट होंगे तो ये हमें सीधे बुनने पड़ते हैं उल्टे फंदे। धागा पीछे करेंगे, 7 फंदे थे ये हमारे, 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे सीधे बुने ये, और ये एक फंदा इधर आएगा, ये ट्विस्ट होकर उधर चला जाएगा, जैसे हम हर बार कर रहे हैं। हमारे पास ये सीधे दो ही फंदे थे, तो एक हमने इधर ट्विस्ट कर दिया, ये उधर ट्विस्ट हो जाएगा। पीछे से एक फंदा पीछे से बुनेंगे, एक फंदा ये आगे से, ये चार फंदे हो गए सीधे। धागा नहीं करना, पीछे ही रहना है। अब ये बीच में हमारे 8 फंदे आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, एक फंदा ये इधर रहेगा, ये ट्विस्ट होगा। और ये फंदा उधर ट्विस्ट हो जाएगा, पीछे से आएगा, पहले पीछे वाले को बुना और फिर इसको, क्योंकि ये लास्ट में हमारे पास दो ही फंदे बचते हैं इन 8 फंदों में से, फिर लास्ट के सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये हमारी 15th रो कंप्लीट हुई, और 16th रो हमें पूरी उल्टी बुननी है रॉन्ग साइड से। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये चमक रहा है, ये 15th रो हमारी पूरी हुई। मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, 1 2 3 4, ये चार लाइनें आती है हमारी उल्टी उल्टी की, और ये 1 2 3, दो लाइनें आती हैं हमारी ये सीधी सीधी की, और फिर एक और आ रही है ये सीधे की। तो ऐसे करके चार सीधे की आती हैं, चार ये उल्टे की, और एक ये एक पट्टी में दो दो सिलाई हैं, तो ये भी आप हिसाब लगा सकते हैं इस हिसाब से भी। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हमारी हो चुकी है 14, और ये 15वीं सिलाई हमारी, फिर उधर से 16वीं सिलाई, ये उल्टी सिलाई है पूरी, ये मैं बना देती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 16th रो हमारी कंप्लीट हुई, और ये पूरा पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें ये चेंज करना है, ये पैटर्न की जगह चेंज हो जाएगी, ये वाला पैटर्न अब यहाँ पर बनेगा, इन चार फंदों पर, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था, और ये 8 फंदे ये आ जाएंगे हमारे बीच में, जो हमारे ये वाले फंदे थे। तो अब मैं एक बार फिर आपको शुरू करके बताती हूँ फर्स्ट सिलाई से, जैसे हमने फर्स्ट सिलाई यहाँ पे बनाई थी। अब ये फंदे हैं हमारे, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे,
फर्स्ट में हमारे जितने भी फंदे हैं ये एक नहीं ये दो हुए, तीन चार पांच छः, ये छः फंदे हैं दोस्तों। अब ये जो चार फंदे हैं ये हमने ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, अब हम इनको उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट सिलाई में हमने यही किया था, चार फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे, तो ये चार फंदे हमारे उल्टे धागा पीछे, ये आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ। धागा आगे करेंगे, ये चार ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, लास्ट में छह फंदे हमारे पास बचे, इनको हम सीधा बुनेंगे, दो तीन चार पांच और ये छह। उल्टी साइड से वही है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, ये चार फंदे उधर सीधे आएंगे और ये उल्टे, ये आठ फंदे उल्टे और ये चार फंदे सीधे, फिर ये छह फंदे उल्टे। ये मैं बना देती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरे पैटर्न की भी हम दो सिलाई बना चुके हैं। अब फंदे ट्विस्ट करके मैं आपको बताती हूँ इसमें शुरुआत कैसे होती है, फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यही 16 सिलाई आप रिपीट करते जाइएगा। ये हम छह फंदों में से पांच फंदे सीधे बुनेंगे, चार और ये एक पांच, ये फंदा है हमारा, उधर से एक फंदा इधर आएगा, ये दो फंदे ट्विस्ट होंगे, ये देखिएगा चार फंदों में से एक इधर आ गया। अब चार फंदों में से ये दो फंदे बीच के हम सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, और ये फंदा उधर चला जाएगा, वो ऐसे आएगा, ये आगे आएगा और ये पीछे चला जाएगा ऐसे, फिर छह फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पांच छः, फिर उधर से एक फंदा इधर आएगा पीछे से, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सेम वही है तरीका, ये मैंने आपको शुरुआत करके बताई है दूसरे पैटर्न की भी। ये देखिएगा दोस्तों, दो फंदे सीधे बुनेंगे चार फंदों में से, ये देखिएगा, और ये एक फंदा उधर चला जाएगा ट्विस्ट होकर, बाकी के फंदे हम सीधे बुनेंगे। जब हम फंदे ट्विस्ट करते हैं तो ये पूरी सिलाई हमारी इधर से सीधी ही बुनी जाती है, तो फिर अगली सिलाई जब हम उल्टी साइड से बुनते हैं तो वो सिलाई पूरी उल्टी आती है, एक बार उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी आती है और एक बार उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा ऐसे आती है। ये देखिएगा इस कलर में ये ऐसा लग रहा है और इस कलर में ऐसा लग रहा है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाइएगा, ये लाइट कलर में भी डार्क कलर में भी अच्छा लगेगा पैटर्न, बहुत खूबसूरत पैटर्न है दोस्तों। तो एंजॉय कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।